हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गेट सरकारी जॉब अपडेट में। मैं हूँ शिवम। हमने पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे और समझे थे। आज हम समझने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट टू। इसमें हम देखने वाले परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, हम कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर सकते हैं ये हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। अब 100% ये अभी परसेंटेज में है, अब इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम सबसे पहले 100% को लिख देंगे और 100, फिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, पर यानी प्रति, पर का मतलब प्रति होता है, प्रति यानी बटे में आना, कोई भी संख्या बटे में आना उसे हम प्रति बोलते हैं। शत यानी 100, यानी बटे में 100 आना, शत को यानी शत सेंटेज, इसको हम बोलते हैं 100, यानी कोई डिजिट 100 में आना उसे हम प्रतिशत बोलते हैं। तो देखिए 100 से हम प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम यहाँ पर 100 का डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 0 0 हम इस काट देंगे और हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, 100% बराबर 1। अब इसी तरह हम 50% का कर लेते हैं। 50% को हटाने के लिए हम 50 और अपॉन में 100 को ले आते हैं, 100 लिख देते हैं। तो 0 से 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर हमारा 1/2 आ जाता है। इसी तरह 25% का है दोस्तों, 25% हम प्रतिशत को हटाने के लिए 25 और बटे में, प्रतिशत को हटाने के लिए 25/100 लिख देते हैं, तो हमारा 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो बराबर हमारा 1/4 आ जाता है। 30% को हम कैसे लिखेंगे? 30 बटा 100, 0 से 0 गया, हमारा आंसर आया 3/10। ये देखिए, अब हमने इन्हें परसेंटेज टू नंबर तो हमने कन्वर्ट कर दिया, अब हम इसे नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी। अब हम इसे नंबर टू, नंबर टू परसेंटेज, परसेंटेज कन्वर्जन, ये देखिए, अगर हम इसे देखिए, यहाँ पर 1 लिखा है, तो हम 1 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, तो हम 1 का गुणा 100 से कर देंगे, तो ये हमारा 100% बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो हमारा 1/2 और इसका 100 से हम गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0, तो हमारा आ जाएगा 50%। इसी तरह अगर हम 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? 3 का भाग हम 100 से कर देंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर हम अगर भाग करेंगे तो हमारा आएगा 33.33%, या हम इसे ये भी कह सकते हैं 33.1/3%। इसे हम करके देख सकते हैं, हम इसे कैसे करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 3, इसका भाग हमें 100 से करना है, 3 और इसका भाग हमने 100 से कर दिया, 3 तिया 9 होता है, हमने 9 यहाँ पर लिख दिया, 10 में 9 हमें घटा देना है, 10 में 9 हमने घटा दिया 1 और यहाँ पर 0 आ गया, 3 तिया 9 फिर से आ गया, ये आ गया 10 में 9 1। तो ये देखिए हम सही ऐसे कैसे लिखते हैं, तो पहले हम 33 लिखेंगे, सही 1, इसे हम ऊपर लिखेंगे 1/3, फिर
ये तीन हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे और ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स, बहुत ही सरल, इसी तरह अगर हम, जैसे हमने 25% का किया, अब हम अगर इसी का आधा करें 12.5% को हम नंबर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? तो 12.5% यानी 12.5/100। तो एक शून्य हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए हम एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हम इसे भाग करेंगे, 5 × 2 = 10 और 5×5 = 25। 5 × 2 = 10, ये जीरो, ये जीरो, 5×5 = 25, 5×2 = 20, जीरो, 5×5 = 5, 5×8 = 40। तो ये हमारा दोस्तों 1/8। तो ये हमारा परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट हो गया, बहुत ईजी। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ देखने वाले। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 1/6 = 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैंने लिखा 1/6 = 16 सही 2/3%, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। 6 का 16 सही 2/3% 1 है। उसी तरह से 1/7 हम लेते हैं, 1/7 = 14 सही 2/7%, यानी 7 का 14 सही 2/7% 1 होता है। 7 का 14 सही 2/7% 1 होता है। अब दोस्तों जैसे ये परसेंटेज दिया हुआ है, अब आप बोलोगे कि 14 सही 2/7% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं, 14 सही 2/7%। अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें क्या करना होगा? आप जानते हैं 14 × 7 करेंगे, चौदह सत्ते 98, 98 और प्लस 2 यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100/7, तो यह बना आ गया 100/7। अब हम 7 का भाग 100 से करेंगे, तो हम करके देख लेते हैं। ये देखिए 7 का भाग 100 से, ये देखिए 7×7 = 7, 10 में 7 गए 3 और ये 0 इधर आ गए, 7×28, 10 में 8 गए 2 और ये 0, तो हमारा शेषफल 2 आ गया। तो हम पहले इसे लिखेंगे 14 सही 2 को ऊपर लिखेंगे 2/7, ये, तो ये हम देखिए हमारा 14 सही 2/7%, यानी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरह से सभी का 1/8, 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर बताया 8 का 12 सही 1/2% 1 होता है, 8 का 12 सही 1/2% 1 होता है। अब हमें 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसी प्रकार से 12 × 24 और +1 = 25, तो ये हमारा 25 आ जाएगा, 2/2। अब 2 का 25 से हम लोग भाग करेंगे, दो और 25, 2×2 यहाँ पर 0 आ गए, ये आया 5, 5 हमारा शेषफल हो गया, नहीं 5 हमारा शेषफल हो गया, 2×2 =
चार, पांच और चार एक, एक हमारा शेषफल हो गया। तो हमारा आंसर कितना है, 12 सही 1/2%, ये आ गया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसे करने के लिए हमें जो सबसे पहले प्रतिशत की संख्या दी गई है, प्रतिशत दिया गया है, उसे हमें लिख लेना है। तो हम प्रतिशत लिख लेते हैं, 16 सही 2/3%। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, हमने 1/6 पढ़ा था। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। तो दोस्तों देखिए 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमें क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। तो हमें कितना जोड़ना है, 16 सही 2/3% जोड़ना है। तो 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, तो हमें कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो हम 6 से 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 7। ये हमारा 7 बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हमें तो यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ है, लेकिन ये दोस्तों ये संख्या 7 नहीं प्राप्त हुई हमें, हमें कितनी प्राप्त हुई है, 4200, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह तो वह संख्या ज्ञात करें, तो इसी तरह वह संख्या ये भी 600 गुना ज़्यादा रही होगी, यानी 3600। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।